अमेरिका में बेहद बड़ा आर्थिक संकट उठ खड़ा हुआ है। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने की पहली सालगिरह पर बंदी की नौबत आ गई है। दरअसल सरकारी खर्चों को लेकर एक अहम आर्थिक विधेयक पर सांसद की मंजूरी नहीं मिल सकी, जिस कारण वहाँ सरकार को शटडाउन करना पड़ा। इसका मतलब यह हुआ कि अब वहाँ कई सरकारी विभाग बंद करने पड़ेंगे और लाखों कर्मचारियों को बिना सैलरी के घर बैठना होगा। दरअसल अमेरिका में एंटी डेफिशिएंसी एक्ट लागू है, जिसमें फंड की कमी होने पर संघीय एजेंसियों को अपना कामकाज रोकना पड़ता है। वहीं सरकार फंड की कमी पूरी करने के लिए एक स्टॉप गैप डील लाती है, जिसे अमेरिका की प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों में पारित कराना जरूरी होता है। यह बिल प्रतिनिधि सभा में तो पारित हो गया था, लेकिन सीनेट में इस पर चर्चा के दौरान ही रात के 12 बज गए और इस कारण यह बिल अटक गया। राष्ट्रपति ट्रंप के ऑफिस ने इसे लेकर जारी बयान में डेमोक्रेट्स सांसदों इस संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि अमेरिका इतिहास में यह पहला मौका नहीं है जब सरकार को शटडाउन से जूझना पड़ा हो। इससे पहले अक्टूबर 2013 में बराक ओबामा के राष्ट्रपति बने रहने के दौरान भी 2 हफ्तों तक संघीय एजेंसियों को बंद करना पड़ा, जिस कारण 8 लाख कर्मचारियों को बगैर वेतन के घर बैठना पड़ा था। वहीं 1981, 1984, 1990 और 1995-96 में भी शटडाउन की नौबत आ चुकी है। और अधिक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल और हमारी वेबसाइट www.janprahari.com पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।